बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा आलू की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे देगा लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए आइए देखते हैं कीमा आलू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आधा किलो हमने ये कीमा लिया है, मशीन का नहीं हाथ का कुटा हुआ कीमा है। हड्डियों के साथ हमने आधा किलो कीमा लिया है और दो मीडियम साइज के हमने आलू लिए थे जिसे हमने इस तरह शेप में कट कर लिया है और इन्हें पानी में भिगो दिया है ताकि ये काले ना पड़े। और चार हमने टमाटर्स लिए थे जिसे हमने इस तरह शेप में कट कर लिया है। और एक चमचा लाल पिसी हुई मिर्चों का लिया है और आधा चमचा हल्दी का लिया है और एक चमचा नमक का लिया है और तकरीबन चार से पांच हरी मिर्चें ली थी जिसे हमने इस तरह शेप में कट कर लिया है और एक चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और दो मीडियम साइज की प्याज ली थी जिसे हमने इस तरह शेप में कट कर लिया है और दो चमचे के बराबर हमने हरा धनिया लिया है जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया है और एक कप हमने ये कुकिंग ऑयल लिया है। अगर ग्राम में देखें तो 120 ग्राम हमारा ये कुकिंग ऑयल है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कीमा डाल देंगे और इसके साथ ही हम जितनी भी हमारी तमाम चीजें हैं वो डाल देंगे। ये हमने प्याज डाल दी इसके अंदर, साथ ही इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। ये लाल मिर्च पाउडर भी हम डाल रहे हैं इसमें, साथ ही हमने इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दिया और साथ ही इसमें हमने नमक भी डाल दिया और हम ये कुकिंग ऑयल भी डाल रहे हैं इसमें। तमाम चीज़ों को हम साथ में डाल देंगे, सिर्फ हमने हरी मिर्चें और टमाटर और हरा धनिया और आलू बचाए हैं। और अब इसमें हम पानी डाल देंगे तकरीबन एक गिलास के बराबर। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको ढक के रख देंगे। अब हमें तकरीबन मीडियम आंच पर इसको 15 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देना है। जब ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा कुक हो जाएगा तो फिर हम इसका ढक्कन उठाएंगे। अभी देखिए 15 मिनट इसको हमने दरमियानी आंच पर पकाया है, इसको हमने हाफ कुक किया है इस वक्त। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर रहे हैं। साथ में इसमें हम हरी मिर्ची भी डाल रहे हैं। अब हमने अच्छे तरीके से इसको भूनना है क्योंकि अभी तक हमने कीमे की भुनाई नहीं करी। इस स्टेज पे आके हम इसकी भुनाई करेंगे। अभी देखिए हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है और ये टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए इसके अंदर। और अब हम इसमें आलू ऐड करते हैं। आलू डालने के बाद भी हमने इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे, फिर हम इसको गलने के लिए रखेंगे। आप इस तरह बनाएंगे बहुत मज़ेदार बन जाएंगे, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी देखिए इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तकरीबन इसको हमने आलू डालने के बाद 2 मिनट बहुत अच्छी तरह भुनाई करी है। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। हमने इसमें इतना पानी डाला है कि ये हमारे आलू गल जाए। इसे ढक के रख देंगे तकरीबन जब तक ये आलू गल नहीं जाते। अब देख लेते हैं हम, आलू हमारे गल चुके होंगे। अभी देखें आलू गल चुके हैं और कीमा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है।
अगर आप इसको खुशक रखना चाहें तो आप इसका पानी थोड़ा सा और खुशक कर सकते हैं। इसमें जो जितना पानी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपको अगर पानी कम या बढ़ती रखना हो तो आप रख सकते हैं। अब मैं इसको निकालती हूँ। तो देखा आपने कितना इजीली तैयार हो गया हमारा ये कीमा आलू। बहुत जल्दी तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अब अपने शेफ़ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।